So, in last lecture, we have discussed the various method of preparation of the cycloalkanes, and there are some other methods which I am going to discuss in this lecture. तो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आया दैट इज द पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो इसमें क्या है कि हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स लेने हैं, या हम कैल्शियम सॉल्ट्स लेंगे या फिर हम बेरियम सॉल्ट्स लेंगे. ठीक है, उनको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं. तो स्ट्रांगली हीट करने पे सबसे पहले वो कीटोन में चेंज होते हैं. ओके, उसके बाद हम बिल्कुल सेम वही जैसे हमने क्लेमेंजन रिडक्शन की थी पहले जिंक और जिंक अमलगम और HCl के साथ, वही हम कम करेंगे इसमें. ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं कैल्शियम एडिपेट दैट इज द CH2CH2CO, दैट इज अ कैल्शियम एडिपेट. ओके, इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं. जो हीट करते हैं तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाता है, और हमारे पास CH2 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 CH2, यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेनोन फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में हम इसको ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है. जब हम जिंक अमलगम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इस रिडक्शन को बोलते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है CH2 मिथिलीन ग्रुप में. ओके, तो जब ये हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये CH2 ग्रुप बन जाएगा, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज द साइक्लोपेंटेन. ओके, सो दिस इज द सेवंथ मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड हियर. नेक्स्ट है वी हैव द अनदर मेथड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द थॉर्पे जिगलर रिएक्शन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें क्या है कि जैसे हमने डिकमैन साइक्लाइजेशन की थी उसमें हमने यूज किया था टर्मिनल डाइएस्टर. ठीक है, डाइएस्टर यूज किए थे, यहाँ पे हम यूज करते हैं डाइनाइट्राइल. ठीक है, तो इसमें हम डाइनाइट्राइल यूज करेंगे. डाइनाइट्राइल की हमने रिएक्शन करानी है किसके साथ, हम यहाँ पे यूज करेंगे लिथियम डाइइथाइल अमाइड. ठीक है, तो सॉल्ट है हमारे पास एक डाइइथाइल अमाइड. ठीक है, तो दिस इज द डाइइथाइल अमाइड, लिथियम का सॉल्ट है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द लिथियम डाइइथाइल अमाइड. इसको हम टर्मिनल डाइनाइट्राइल से ट्रीट करते हैं. ओके, तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनल नाइट्राइल्स हैं, ठीक है, वो इंट्रा मोलिकुलर उनके अंदर क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन होगी, और वो क्या बनाएंगे, साइक्लिक इमीन नाइट्राइल बनाएंगे. देखिए रिएक्शन क्या हो रही है कि हमारे पास ये कोई लॉन्ग चेन टर्मिनल नाइट्राइल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ओके, और जो हमारे पास टर्मिनल कहाँ पे दो ग्रुप लगे होते हैं, तो इनको हम अल्फा ओमेगा भी कह देते हैं. जैसे हमने एस्टर लिए थे तो वहां पे हम कह सकते हैं अल्फा ओमेगा डाइएस्टर. जैसे हमने एक डाई ब्रोमाइड भी लिया था उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स, और यहाँ पे हम नाइट्राइल यूज कर रहे हैं तो इनको बोल सकते हैं अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल्स. ठीक है, जहां पे टर्मिनल दो ग्रुप लगे हों तो उनको बोलते हैं हम अल्फा ओमेगा ग्रुप्स. ओके, सो दीज आर दी अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल. तो इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, लिथियम डाइथाइल अमाइड के साथ. ओके, तो जब इसको हम लिथियम डाइथाइल अमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इमिनोनाइट्राइल बनेंगे. व्हाट आर इमिनोनाइट्राइल्स, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज द इमिनोनाइट्राइल्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गई, इसको बोलते हैं इमीन. ठीक है, एक तो बन गया यहाँ पे हमारा इमीन, और दूसरा हमारा यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप एज सच वहां पे लगा रहा. सो दिस इज नोन एज द इमिनो नाइट्राइल. ओके, सबसे पहले ये फॉर्मेशन होती है. उसके बाद जैसे हमने डिकमैन कंडेंसेशन में सबसे पहले क्या किया था, डाइएस्टर को ट्रीट किया था सोडियम इथोक्साइड के साथ. ओके, तो वहां पे हमारे पास क्या बना था, कीटो एस्टर बना था. फिर हमने क्या किया था, उसकी हाइड्रोलिसिस की थी. बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे. ओके, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये नाइट्राइल ग्रुप जो है और इमीन ग्रुप जो है, ये इमीन ग्रुप कीटो में चेंज हो जाएगा, और ये नाइट्राइल ग्रुप क्या होगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा. तो वहां पे क्या बनेगा, कीटो एसिड बन जाएगा. तो वी विल हैव
द कीटो एसिड हेयर. सो CH2 यहाँ पे बन गया कीटो, और जो नाइट्राइल ग्रुप है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द एसिड ग्रुप. ठीक है, सो दैट इज नोन एज द कीटो एसिड, क्योंकि यहाँ पे अब कीटो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, दैट इज नोन एज कीटो एसिड. अब बिल्कुल सेम वैसे जैसे लिक्विड में किया था हमने, क्या किया था, इसको हीट किया था. हीट करने पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन. तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगी, ये एच क्या करेगा यहाँ पे चला जाएगा. सो वी विल हैव द कीटोन हेयर. ठीक है, एक हमारे पास साइक्लिक कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा. और जब हमारे पास साइक्लिक कीटोन होते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, उसकी रिडक्शन करना है. रिडक्शन कैसे करनी है, हमने इसको CO ग्रुप को हमने चेंज करना है CH2 में. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज जिंक अमलगम एंड HCl, एंड दिस रिएक्शन, दिस स्टेप इज नोन एज दी क्लेमेंजन रिडक्शन. ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक लॉन्ग चेन हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉन्ग साइक्लिक हमारे पास क्या बन जाएगा, हायर, यू कैन से हायर नंबर ऑफ साइक्लोल्केन बन जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये CH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, ये चीज आ जाएगा. सो डिपेंडिंग अपॉन N की वैल्यू, अगर हमारे पास यहाँ पे N1 आ जाता है तो ये साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, N की वैल्यू अगर 2 है तो साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हमारे पास यहाँ पे N की वैल्यूज है, कितने हमारे पास यहाँ पे CH2 ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये एक साइक्लोअल्केन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, सो दिस इज दी थॉर्पे जिगलर रिएक्शन. ओके, तो ये रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज करते हैं जब हमने हायर रिंग कंपाउंड्स फॉर्मेशन करनी होती है, तो वहां पे इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, हम नाइट्राइल ग्रुप यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज द नाइन्थ रिएक्शन, नाइन्थ प्रेपरेशन मेथड, दैट इज द डेमजेनोव मेथड, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसमें क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें उसकी एक्सपेंशन भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकती है. ठीक है, सो यू कैन से दिस डेमजेनोव रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द ए साइक्लिक रिंग सिस्टम. मीन्स हमारा यहाँ पे जो इनिशियल रिएक्टेंट होगा वो भी क्या होगा, एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा. मीन्स एक साइक्लिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है. सो डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे हमारा सिलेक्शन कंडीशंस क्या है या किस तरीके का हमारा सिस्टम है, उसकी रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकती है. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे सिस्टम होगा, ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन टाइप का सिस्टम है हमारे पास, उसको हम ट्रीट करते हैं. सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट रहेगा इसमें वो रहेगा HNO2, दैट इज नोन एज नाइट्रस एसिड. जब हम नाइट्रस एसिड के साथ इस सिस्टम को रिएक्ट कराएंगे, कोई इम्यून सिस्टम होता है हमारे पास यहाँ पे, तो जब उसको रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी तो उस कार्बोकैटायन के फर्दर आगे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन हो सकते हैं. क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, उस कार्बोकैटायन की एक तो रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट इन द सेंस कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, तो वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है. तो एक तो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, रीअरेंजमेंट टू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. ठीक है, एक तो ये चीज हो सकती है, अगर ये चीज होगी तो वहां पे हमारे पास रिंग कंट्रैक्शन भी हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है. और दूसरा क्या हो सकता है कि वो जो कार्बोकैटायन बना, अगर वो वहां पे हो सकता है वे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाए या फिर कोई प्रोटॉन एलिमिनेट कर दे. ठीक है, तो वहां पे एक तो एलिमिनेशन भी हो सकती है, एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन ये भी हो सकता है, और जब एलिमिनेशन होगी तो वहां पे अल्कीन फॉर्मेशन होगी. ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो सकती है. सो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अभी हम रिएक्शन देखेंगे भी किस तरीके से ये चलती है, क्या क्या प्रोडक्ट वहां पे फॉर्मेशन हो सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिंग एक्सपेंशन. अब यहाँ पे ये डिस्कस करने से पहले कि रिंग एक्सपेंशन होगी कॉन्ट्रेक्शन होगी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको नोट कर लो. वो क्या चीज है कि अगर हमारे पास नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने पे जब हमारे पास वहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी वहां पे. ठीक है, जो कार्बोकैटायन इनिशियली फॉर्म हो रहा है, अगर वो कार्बोकैटायन क्या है, एलिसाइक्लिक कार्बन के ऊपर है, एक एलिसाइक्लिक कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, वहां पे क्या होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, अगर हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो क्या कर रहा है कि अल्फा कार्बन पे हो रहा है, मींस एलिसाइक्लिक के अल्फा कार्बन पे हो रहा है, अल्फा टू एलिसाइक्लिक कार्बन पे है,
तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होगी, ठीक है, वहां पे क्या होनी है, रिंग एक्सपेंशन होनी है। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भी रिंग एक्सपेंशन कैसे होगी। सो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमने डिस्कस करना है भी रिंग एक्सपेंशन कैसे होती है। देखिए अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी तो हमारा जो सिस्टम होगा मींस जहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो कार्बोकैटायन होना है वो कहाँ बनना है, अल्फा कार्बन बनना है। मींस हमारा पास जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि हमारे पास यहाँ पे CH2 ग्रुप है, CH CH2 और यहाँ पे CH2। अब इस कार्बन के साथ हमारे पास एक CH2 ग्रुप है और साथ में क्या है हमारे पास अमीन है, ठीक है, हमने क्या लिया है यहाँ पे साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल अमीन। ओके, जब इसको हम ट्रीट करते हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये NH2 ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी, कहाँ पे, अल्फा टू एलीसाइक्लिक कार्बन। अब ये जो कार्बन है जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं दीज आर नोन एज दी एलीसाइक्लिक कार्बन, ठीक है, और जो एलीसाइक्लिक कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ दैट इज नोन एज दी अल्फा टू एलीसाइक्लिक कार्बन। अब जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है वो इस पे बन रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बोकैटायन जो है वो प्राइमरी कार्बन पे ऊपर है, अब ये जो कार्बन है यहाँ पे टर्शियरी कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मीन्स ये यहाँ पे यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, मीन्स ये अगर बॉन्ड यहाँ से टूट जाए यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाए तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो मीन्स वो सेकेंडरी कार्बन बन जाएगा, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि इसमें एलिमिनेशन हो सकती है, तो मीन्स अगर इसमें हमारे पास प्रोटोन की एलिमिनेशन हो जाए तो कहाँ से प्रोटोन एलिमिनेट होगा, साथ वाले कार्बन से, अगर यहाँ से प्रोटोन एलिमिनेट होगा मीन्स एच पॉजिटिव निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास क्या बन गया, मिथिलीन साइक्लोब्यूटेन बन गया। और क्या हो सकता है, हमने कहा था यहाँ पे क्या हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो सकती है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा वो क्या होगा, वाटर ऐड होगा, जब वाटर ऐड होगा तो वहाँ पे पहले स्टेप में वाटर ऐड होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक प्रोटोन रिलीज होगा, क्या होगा, एक प्रोटोन रिलीज होगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे CH2OH बन जाएगा। ओके, तो CH2 CH2 इस तरीके का हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं हम साइक्लोब्यूटाइल कार्बिनोल, दैट इज द साइक्लोब्यूटाइल कार्बिनोल। और क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये रीअरेंज कर सकता है, अगर ये कार्बोकैटायन यहां पे चला जाएगा तो यहां पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हुआ कि CH2 CH, ओके, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहां पे ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, इस तरीके का। अब ये जो स्टेप है दैट इज नोन एज दी डेमजेनोफ रीअरेंजमेंट, दैट इज नोन एज दी डेमजेनोफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन क्या हुआ, रीअरेंज हुआ, एक 5 मेंबर क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, हमारे पास अगेन दो चीज़ें हो सकती हैं, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो सकती है और एलिमिनेशन हो सकती है प्रोटोन की। अब प्रोटोन अगर एलिमिनेट करेगा यहाँ से या यहाँ से, दोनों चीज़ें सेम चीज़ें, तो कहीं से एक प्रोटोन एलिमिनेट कर सकता है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास एच पॉजिटिव यहाँ से निकल गया हमारे पास, तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2, यहाँ पे CH2 इस देखेगा, अब ये क्या बन गया, दैट इज नोन एज दी साइक्लोपेंटीन, ठीक है, साइक्लोपेंटीन फॉर्मेशन हो गई। और क्या हो सकता है कि ये जो चीज़ था हमारे पास, इसमें क्या करे, फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड कर जाए, जब वाटर ऐड करेगा तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर क्या करेगा, ये वाटर ऐड हो जाएगा OH2, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये CH2 है CH2 है CH2, ऐसे है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से प्रोटोन रिलीज होगा, तो यहाँ से एक प्रोटोन रिलीज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, अगेन वहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, CH2 CH2 CH2, दिस वन, तो दिस इज नोन एज दी साइक्लोपेंटेनोल, दैट इज नोन एज दी साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। तो क्या हुआ कि 4 मेंबर्ड रिंग से हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग के प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए, तो दिस इज नोन एज द रिंग एक्सपेंशन। ये कब हुई, जब हमारे पास जो कार्बोकैटायन बना इनिशियल स्टेप में, दैट वाज ऑन द अल्फा टू एलीसाइक्लिक
एलिसाइक्लिक कार्बन, ठीक है, जब कार्बो कैटायन कहां पे है, अल्फा टू एलिसाइक्लिक कार्बन पे है, तब जाके हमारे पास रिंग एक्सपेंशन हुई। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगी है, जब हमारे पास क्या होगा कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन ऑन द एलिसाइक्लिक कार्बन, ठीक है। तो मीन्स ऐसा कोई हमारे पास रिएक्टेंट होगा जहां पे हमारे पास कोई अल्फा कार्बन ही ना हो, मीन्स इफ वी हैव द साइक्लोब्यूटाइल अमीन, अगर इस रिएक्शन में हम साइक्लोब्यूटाइल अमीन यूज करते हैं, तो जब इसको हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास ये ग्रुप जब रिलीज होगा तो हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कहाँ होगी, इस कार्बन के ऊपर जो कि हमारे पास रिंग का कार्बन है, दैट इज नोन एज द एलिसाइक्लिक कार्बन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई। जब एलिसाइक्लिक कार्बन के ऊपर क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, तो मैंने बताया था अभी क्या हो सकती है, तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकती है रीअरेंजमेंट, तो पहले हम करते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पे जब रीअरेंजमेंट होगी, दैट इज नोन एज दी डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, ओके, दैट इज नोन एज दी डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बन है, ये इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो कैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, कि यहां पे ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन पे अटैक करेगी, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगी, तो ये बॉन्ड यहां फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ग्रुप लग से हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लो प्रोपेन रिंग, ठीक है, थ्री मेंबर रिंग बन गई और पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, एक लग से कार्बन के ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाए, अगर तो प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। यहां पे CH2 आ जाएगा, यहां पे हमारे पास CH2 है, यहां पे CH2 है, यहां पे हमारे पास अकेला कार्बन है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड करें, वाटर एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है यहां पे, सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक प्रोटॉन निकलेगा तो वहां पे अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अल्कोहल फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास CH2 CH CH और यहां पे CH2OH, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर वाटर अटैक करेगा, ठीक है, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, वहां से प्रोटॉन निकलेगा तो OH बन जाएगा। सो यहां पे इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल बन गया, तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला एक अल्कोहल बन गया। और हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर भी हमारे पास प्रोटॉन अटैक, प्रोटॉन क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड करे और फिर सेकंड स्टेप में क्या करे, प्रोटॉन रिलीज हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर फोर मेंबर जो हमारे पास रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर क्या बनेगा, हमारे पास अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और यहां पे हमारे पास साइक्लोब्यूटीन बनने के चांसेस हैं। तो अगर तो ये चीजें होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसे हमारे पास फोर मेंबर रिंग का कंपाउंड था, फोर मेंबर रिंग बनेगी। बट यहां पे क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास रीअरेंजमेंट हो जाती है, तो कुछ कंपाउंड्स में, कुछ मॉलिक्यूल्स में रीअरेंजमेंट भी देखी गई है। तो ऐसी जो रीअरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं डैमजन ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये देखा गया है कि अगर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एलिसाइक्लिक कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनती है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, और अगर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है, वो एलिसाइक्लिक कार्बन के ऊपर ना होके अल्फा टू एलिसाइक्लिक पे हो, तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थी डैमजन ऑफ रीअरेंजमेंट की, जिसमें हमने डिस्कस किया रिंग एक्सपेंशन एज वेल एज रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सो मींस हम लोअर साइक्लोअल्केन से हायर साइक्लोअल्केन एंड लोअर साइक्लोअल्केन भी बना सकते हैं, ठीक है। एक साइक्लोअल्केन से हम हायर साइक्लोअल्केन और लोअर साइक्लोअल्केन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डैमजन ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास एक मेथड है सिंथेसिस का, दैट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एक टाइप की क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन से हम साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं, अगर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, ठीक है, एट 473 to केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जब इसको हम ट्रीट करते हैं, बेंजीन को हाइड्रोजनेट करते हैं, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो वी विल गेट दी साइक्लोहेक्सेन। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर
कन्वर्जन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स इनटू द साइक्लो अल्केन्स. ठीक है, कोई भी आप फाइव मेंबर लोगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा. फोर मेंबर साइक्लो ब्यूटाडाइन लोगे तो भी क्या आ जाएगा, वो ब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन फॉर्मेशन करेगा. ओके, नेक्स्ट मेथड इज इलेवेंथ मेथड, दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन ऑफ सूटेबल डाइहैलाइड्स, सूटेबल डाइहैलाइड्स विद मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर. ओके, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड डी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, जो चीज़ हम पहले करते रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे फिर से हो रही हैं कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे डाइहैलाइड्स या फिर कोई एस्टर को रिएक्ट कराते हैं किसी पर्टिकुलर एक रिएजेंट से, तो हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन होते हैं. ठीक है, तो कीटोन फॉर्मेशन होते थे वहाँ पे अगर हम यहाँ पे डाइहैलाइड यूज़ करते थे या फिर हम एस्टर यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम दोनों यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जब दोनों यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर फॉर्मेशन होंगे. यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर फॉर्मेशन होंगे. तो देखिए हमारे पास क्या है, हमने कोई डाइहैलाइड ले लिया यहाँ पे, दैट इज द सिंपलेस्ट इथिलीन डाइब्रोमाइड. ओके, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, मेलोनिक एस्टर यूज़ करना है हमने या फिर हम एस्टोएस्टिक एस्टर यूज़ करेंगे. तो पहले हम रिएक्शन कर रहे हैं मेलोनिक एस्टर के साथ, तो दिस इज ए मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एसिड से बना हुआ है. सो व्हेन वी ट्रीट द डाइब्रोमाइड और डाइहैलाइड विद मेलोनिक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड. ओके, तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो हमारा ये ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये दो ब्रोमाइड के साथ निकल जाते हैं. ठीक है, माइनस टू एच बी आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं. तो ये निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एस्टर ग्रुप है तो वो एस एच यहाँ पे रहेगा. ओके, तो क्या बन गया हमारे पास, दैट इज द साइक्लोप्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर. ओके, प्लस यहाँ पे हमने एच बी आर तो निकल दिया, लिख दिया, वो एच बी आर क्या करेगा, अब सोडियम इथोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारे पास, ये दोनों मिलके आपस में प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा प्लस क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, सोडियम जो है ब्रोमाइड के साथ चला जाएगा, एच जो है वो इथोक्साइड के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल एंड सोडियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये जो साल्ट हमारे पास बना है, एस्टर जो फॉर्मेशन हुआ, इसकी हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस. हमने बोला था सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन ऑफ डाइहैलाइड विद एस्टर्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे. जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एस्टर ग्रुप जो है वो क्या हो जाते हैं, एसिड में चेंज हो जाते हैं, दे विल चेंज इनटू द एसिड्स. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इस तरीके के हमारे पास डाई एसिड बन गया, साइक्लोप्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होती है यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी. सो वी विल गेट द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है. अब इसको हम अगर हमने साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली इसको हीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो साइक्लोप्रोपेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करेंगे थ्रू सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस एसिड को हम डायरेक्टली डी कार्बोक्सिलिक नहीं कर सकते. अगर ऐसा करेंगे मीन्स अगर इसको हम हीट करने की कोशिश करें कि इसको ये भी इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी, ये रिंग की ही क्लीवेज हो जाएगी, देयर विल बी ए क्लीवेज ऑफ रिंग. ओके, सो वंस वी गेट द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द साइक्लिक अल्केन्स, सो वी कैन नॉट डी कार्बोक्सिलेट दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली बाई हीटिंग, इन दैट केस इट विल लीड टू क्लीवेज ऑफ द रिंग. ओके, सो थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वी कैन एलिमिनेट और डी कार्बोक्सिलेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्रॉम द साइक्लो अल्केन्स. ठीक है, तो वहां पर हम साइक्लो अल्केन कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तो रिएक्शन थी जिसमें हमने रिएक्शन की है मेलोनिक एस्टर के साथ. इसी तरीके से अगर हम एस्टोएस्टिक एस्टर यूज करेंगे तो भी हम रिएक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम हमारे पास हो जाएगी. अब एस्टोएस्टिक एस्टर क्या होते हैं कि इसमें एक हमारे पास एसीटोन ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा, एस्टर ग्रुप होगा.
मीन्स सी एच थ्री सी ओ, ये हो गया एसीटो ग्रुप, और दैट इज दी, ये एसीटोन टाइप मॉलिक्यूल है, इसका हमने एच रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एस्टर लगा दिया. सो दैट इज दी एसीटो एसिटिक एस्टर. ओके, सो इसको भी हम डाइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हमारे पास इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं, साइक्लो अल्कीन डेरिवेटिव बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमारे पास हमने ले लिया 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन. ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ. ठीक है, एक साइड पे हमारे पास एसिटो ग्रुप है, दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप है. सो रिएक्शन वही सेम होनी है, ये दो ब्रोमाइड और ये दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे किसकी प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में. अब यहाँ से जो एच बी आर निकलेगा वो एसिडिक है और यहाँ पे हमारे पास बेस रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा क्या, एक तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जब एच बी आर निकलता है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एसिटो ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, प्लस अब ये बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, इथेनॉल C2H5OH प्लस सोडियम ब्रोमाइड. ठीक है, वंस वी गेट द एसिटो एस्टर ऑफ द साइक्लोपेंटेन, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. डाइल्यूट हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, दैट इज डाइल्यूट KOH. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे. अब यहाँ पे हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एस्टर नहीं है, हमारे पास एक एस्टर है एक कीटोन है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस एस्टर को हमने क्या करना है, चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डाइल्यूट KOH से रिएक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम लग जाएगा, फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फिर से एसिड बन जाएगा. ठीक है, डाइल्यूट KOH से क्या होगा कि ये एस्टर ग्रुप क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये एस्टर है तो यहाँ पे डाइल्यूट KOH है, तो क्या करेगा, यहाँ पे पोटेशियम क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और इथेनॉल निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल C2H5, यहाँ पे इथेनॉल निकलेगा और हमारे पास फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो एच भी यहाँ से, वो पोटेशियम भी क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, फिर KOH निकाल के तो यहाँ पे वापस एच लग जाएगा. तो अल्टीमेटली वी विल गेट CH2 कार्बन हेयर CH2 एंड वी हैव द कीटो ग्रुप हेयर एंड वी हैव द एसिड ग्रुप हेयर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हाइड्रोलिसिस हमने यहाँ पे कर ली, सेकेंड स्टेप पे क्या है हमारे पास, इसको हीट करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करनी है. ठीक है, तो जब इसको हम डी कार्बोक्सिलेट करेंगे तो वी विल गेट द कीटोन ऑफ द साइक्लोअल्केन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन का जो है वो कीटो बन जाएगा, कीटो ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, तो कीटोन ऑब्टेन्ड इन दिस स्टेप इज कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन. ठीक है, बाय सम सूटेबल रिएजेंट. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो हमने क्या करना है, इसको इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो कोई ना कोई हम रीजन यहाँ पे यूज करेंगे जिसको यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा. मीन्स इसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं किसी सूटेबल रीजन में, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे OH यहाँ पे एच, तो ये एसिड बनाकर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोपेंटेन में इस तरीके से. ओके, क्या करना हमने, इसकी एसिडिक या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे. ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा. सो दीज आर द 11 प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ द साइक्लोअल्केन्स. ठीक है, जिसमें हमने कार्बिन भी यूज किए हैं और हमने डाई हैलाइड्स भी यूज किए हैं, डाई एस्टर भी यूज किए हैं और हमने डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट भी यूज किए हैं कैल्शियम और बेरियम के. सो दीज आर द फ्यू मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स. ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लोअल्केन्स, हाउ वी कैन कन्वर्ट दी साइक्लोअल्केन टू द डिफरेंट सूटेबल यूजफुल रिएजेंट्स, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.